माँ जी। अरे नहीं, आप सोई हुई थी और सुबह 6:30 बजे की बस है तो मैंने आपको जगाया नहीं, माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, मैंने चाय नाश्ता कर लिया है, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखना। अकेली कहाँ हूँ मैं माँ जी, बस में और भी तो लोग होंगे ना मेरे साथ। जी माँ जी, रखती हूँ। हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया है तुमने, अब उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। ये किसने लिखा है और ये पत्थर आया कहाँ से? नम्रता, ज्योति का कुछ पता चला? नहीं यार, ज्योति राजपुर से जिस बस में आने के लिए निकली थी वो तो कब की आ चुकी है, लेकिन वो नहीं आई। अगर राजपुर से ज्योति यहाँ आने के लिए बस में बैठी तो फिर यहाँ पहुँची क्यों नहीं? वही तो, कब से कोशिश कर रही हूँ कि बस के इंचार्ज से बात करूँ, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसका फोन भी ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन भी बंद आ रहा है। यार 7 घंटे हो गए, कब से ढूंढ रहे हैं हम लोग, मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। उसकी सास का फोन है। हेलो आंटी जी। नहीं आंटी, हम तो डिपो पर ही खड़े हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नहीं आंटी, वो जल्दी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको फोन करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? अंकिता, ज्योति कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? हम उसे कितने सालों से जानते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें बिना बताए वो कहीं चली जाए। मैं भी वही सोच रही हूँ। अब क्या करें, कैसे कांटेक्ट करें उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही उपाय है। वो क्या? मैं CID को फोन लगाती हूँ। CID? हाँ यही ठीक रहेगा। हेलो CID? आप ही अंकिता हैं? जी सर, मैं ही हूँ अंकिता सर, मैंने ही आपको फोन किया था सर। तो आपकी सहेली ज्योति लापता है? हाँ सर, पिछले 7-8 घंटों से हम उसे ढूंढ रहे हैं पर वो कहीं नहीं मिल रही है। और आप? सर मैं नम्रता, ज्योति की दोस्त, हम सब कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। तो ज्योति जी राजपुर गाँव से यहाँ निकली थी? जी हाँ। कितने बजे? सर वो सुबह 6:30 बजे की बस पकड़ने वाली थी। अच्छा ये बताइए कि राजपुर से यहाँ आने में कितना समय लगता है? सर यही कोई 2 घंटे। यानी के 8:30 बजे तक उन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। जी सर। और अब बज रहे हैं 4:00, अब तक नहीं आई। तो आपने उनका फोन तो ट्राई किया होगा ना? सर मैंने कई बार उसका फोन ट्राई किया लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी ज्योति से? सर मैंने सुबह 6 बजे उससे बात की थी, तब वो बस स्टैंड के लिए अपने घर से निकल चुकी थी। आपकी कोई खास बात हुई, उसकी बात सुन के आपको लगा हो कि वो तकलीफ में है या कोई परेशानी में? सर जब मैं उससे फोन पे बात कर रही थी तो पीछे बहुत सी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं ठीक से कुछ सुन नहीं पाई थी। कैसी कैसी आवाजें थी? शायद कोई बैंड बाजा या कोई जुलूस निकल रहा था सर। बैंड बाजा या जुलूस? जी सर। सर वो राजपुर से यहाँ पहुँचकर सीधे मेरे घर आने वाली थी मुझसे मिलने के लिए। राजपुर से आने के बाद वो सीधा आपके घर आने वाली थी? जी सर, वो सही वक्त पर नहीं पहुँची इसलिए तो उसे ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ये ज्योति राजपुर गाँव से यहाँ पे अकेले आई थी या उसके साथ कोई और था? नहीं सर, अपने घर से तो वो अकेले ही निकली थी, और वैसे भी राजपुर गांव में उसका ससुराल है, घर नहीं, वहाँ वो अपने सास ससुर के साथ रहती है। ससुराल? कहीं ये सास बहू का चक्कर तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योति के सास ने ही ज्योति को बस स्टैंड पहुँचने से पहले ही अगवा कर लिया? बड़ी जो कुछ भी है उसका तो पता चल ही जाएगा। अच्छा आप दोनों के अलावा इस शहर में ज्योति जी का कोई और दोस्त, कोई और रिश्तेदार है? सर उसके सभी करीबी लोगों को पूछ लिया पर किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा ज्योति जी की किसी से कोई दुश्मनी हो, इस बारे में कुछ पता है आपको? नहीं सर, उसकी किसी से कोई खास दुश्मनी नहीं थी। जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि इनकी फोन पे बात हुई थी ज्योति से बस पकड़ने से पहले, तो ये भी तो हो सकता है कि ज्योति ने बस पकड़ी ना हो। हाँ सर ये हो सकता है, ज्योति इस वक्त राजपुर गाँव में ही हो, यहाँ पे आई नहीं हो। अच्छा राजपुर से जो बस आई उसके इंचार्ज से पता किया आप लोगों ने? सर मैंने बात करने की कोशिश की थी पर वो कहीं नजर ही नहीं आया। नजर ही नहीं आया? अच्छा ज्योति की फोटो तो होगी ना आपके पास? शायद मेरे मोबाइल में होगा, देखती हूँ सर। ये रहा सर। ओके ये है ज्योति की फोटो, अब ज्योति की फोटो और उसका नंबर मेरे मोबाइल पे ट्रांसफर कर दीजिए। ओके सर। अच्छा ज्योति जी राजपुर गाँव से जिस बस से आने वाली थी उस बस का नंबर है आपके पास? जी सर याद है, KT 2137। KT 2137? जी सर। ठीक है आप लोग जा सकते हैं, जैसे ही हमें ज्योति के बारे में कुछ भी पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सर।
यही बस है। अरे सुनो भाई, आप इस बस के इंचार्ज हैं? मैं हूँ। बस को निकलने में अभी आधा घंटा बाकी है, आपको अगर कुछ खाना पीना हो तो खा पी आइए। नहीं, हमें कुछ खाना पीना नहीं है और ना ही कहीं जाना है। एक लड़की राजपुर गांव से आई है, ये है उसकी फोटो, इसे पहचानते हो तुम? ये लड़की? जी हाँ, सुबह 6:30 बजे ये लड़की राजपुर गांव के बस डिपो से शायद इस बस से बैठी है। जानते हो इसे? देखा इसे? साहब ये लड़की शायद 17 नंबर सीट, वो खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। तुमको पूरा यकीन है कि ये वही लड़की है? पक्का तो नहीं कह सकता साहब, पर शायद यही लड़की थी। इसने काले रंग का गॉगल लगा रखा था और चेहरे पर साल ढका था। चलो ठीक है, थैंक्स। अगर ये आदमी जिस लड़की की बात कर रहा है वो ज्योति है और इस शहर में आ चुकी है, तो सवाल ये उठता है कि शहर में आने के बाद वो गायब कहाँ हो गई? हो सकता है कि ये ज्योति अपने किसी पर्सनल काम से गई हो और ये बात किसी को बताना नहीं चाहती हो। हो सकता है, इस बात का पता लगाना पड़ेगा, हो सकता है उसकी जान खतरे में हो। फिर सर शुरुआत कहाँ से करें? एक काम करते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर अब तक के सारे फोन कॉल्स की डिटेल चेक करते हैं और यहाँ तक की बैंक की डिटेल्स, पता चल जाएगा कि ये ज्योति गई तो गई कहाँ। कुछ पता चला ज्योति के बारे में? नहीं सर, सारे चेक पोस्ट पे ज्योति के फोटो भिजवा दिया है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। कमाल है, एक जीती जागती लड़की अचानक गायब हो गई और किसी ने उसे देखा तक नहीं। और क्या पता चला ज्योति के बारे में? सर 3 साल पहले ज्योति की शादी किसी अनुराग नाम के आदमी से हुई थी। सर शादी के बाद वो अपने पति के साथ अमेरिका में बस गई सर। और वो हिंदुस्तान का भाई? सर 5 महीने पहले। सर फिलहाल ज्योति के पति अनुराग अभी भी अमेरिका में है। सर छुट्टी की अर्जी दी है, छुट्टी मिलती इंडिया जाएंगे। और वो राजपुर गाँव, जैसा कि अंकिता ने हमें बताया था कि ज्योति अपने सास ससुर के साथ राजपुर गाँव में ही रहती है। ज्योति और सास की आपस में कितनी बनती है इसका कोई गवाह भी तो नहीं है। वैसे ये ज्योति राजपुर में काम क्या करती थी? सर फिलहाल तो कुछ भी नहीं। इसके करीबी यार दोस्त किसी से बात करने की कोशिश की? हाँ सर, लेकिन उन्हें भी ज्योति के बारे में कुछ नहीं मालूम। इस केस में अब तक कोई भी काम की जानकारी नहीं मिली। सर अगर ज्योति शहर में आई थी तो उसने आने के बाद किसी ना किसी को तो फोन किया होगा ना सर? हो सकता है, निखिल हो सकता है कि उसने नम्रता और अंकिता के अलावा और किसी को फोन किया हो, और वो जो कोई भी है हमसे सच्चाई छिपा रहा है। एक बार फोन की डिटेल आ जाए ये भी पता चल जाएगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योति को किसी ने अगवा कर लिया? लेकिन सर ज्योति को अगवा करके किसी को क्या फायदा हो सकता है? निखिल अगवा सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया जाता, और भी बहुत से कारण होते हैं। जैसे कि सर? हेलो जी, बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर ज्योति के बैंक से फ़ोन था। सर ज्योति ने तकरीबन 6 घंटे पहले अपने डेबिट कार्ड से किसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दुकान से खरीदारी की है सर। इसका मतलब ज्योति यहाँ पे आई है और बस से उतरने के बाद उसने अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, काम करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे चलते हैं, वहीं से सब कुछ पता चलेगा। क्या बताई थी दुकान? आप ये मोबाइल बहुत ऊंचे दाम में बेच रहे हैं, थोड़ा डिस्काउंट दीजिए। अरे आप भाव की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, आप बेफिक्र होकर इसे ले जाइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे सस्ता मोबाइल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं, लूट मचा के रखे और सस्ती की बात कर रहे हैं, नहीं जाइए मुझे। अरे सुनिए तो सही। अरे यार एक तो सस्ता मोबाइल दो, ऊपर से इनके नखरे सो। एक्सक्यूज मी, आइए सर, कहिए क्या देखना है आपको। वैसे सर मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, LTE कंपनी कल से मोबाइल के साथ ब्लूटूथ 3 नहीं देने वाली है, जो भी लेने आज ही ले लीजिए। देखिए एक अंदर की बात हमें भी जाननी है। CID? जी हाँ CID। मैं पूरी मदद करूंगा सर। अच्छी बात क्या है? देखिए वो क्या है कि आज सुबह एक लड़की आपकी दुकान पे आई थी जिसने कार्ड स्वाइप करके कुछ सामान खरीदा आपकी दुकान से, उसके बारे में जानकारी चाहिए। ये रहा उसका डेबिट कार्ड नंबर, उस लड़की ने 11:10 पे इस दुकान पे कार्ड स्वाइप किया। एक मिनट सर। ज्योति? हाँ सर, किसी ज्योति नाम की लड़की ने इस डेबिट कार्ड से 30,000 का मोबाइल खरीदा था। मोबाइल फोन? हाँ सर। अब ये क्या नया चक्कर है? ज्योति ने पहले अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और फिर दूसरा नया मोबाइल फोन खरीद लिया। जिस लड़की ने आपके यहाँ से मोबाइल खरीदा, क्या ये वही लड़की है? नहीं सर, ये वो लड़की नहीं है। क्या ये लड़की नहीं है? नहीं सर। आपको पूरा यकीन है? सर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस लड़की ने 30,000 का मोबाइल खरीद कर मेरी दुकान की भौनी की थी, उसे मैं कैसे बोल सकता हूँ? अब मेरी समझ में आ गया कि ये माजरा क्या है। किसी और लड़की ने ज्योति का पर्स चुराया, उसका डेबिट कार्ड चुराया और फिर सीधे यहाँ आके उसके पैसों पर ऐश करने लगी। वो सब तो ठीक है फ्रेडी, लेकिन ये ज्योति कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई ये ज्योति? अच्छा ज्योति की जगह यहाँ जो फोन खरीदने आई थी लड़की, उसके बारे में और कुछ बता सकते हैं आप? सर उसके होलिया के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सर उस लड़की ने अपना नया मोबाइल यहाँ चालू किया था, अपना सिम कार्ड डाला, वो किसी को फोन किया था। किसी को फोन किया उसने? हाँ सर,
फोन पे क्या बात की, कुछ सुना आपने? सर वो किसी केजे जाने की बात कर रही थी और कुछ शिफ्ट की बात कर रही थी। केजे जाने की बात कर रही थी और कुछ शिफ्ट की बात कर रही थी। कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे शिफ्ट में काम होता है? कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी या फिर? सर केजे नाम का एक शूटिंग स्टूडियो लिंक रोड पे है सर, शायद ये लड़की उसी स्टूडियो में जाने की बात कर रही है। हो सकता है निखिल, इसका मतलब ये लड़की उस स्टूडियो में शूटिंग के सिलसिले से गई होगी। एक काम करते हैं, इस केजे स्टूडियो चलते हैं, वहीं से सब कुछ पता चल जाएगा। और भाई साहब, आप जब उस लड़की ने इतने अमाउंट के लिए कार्ड स्वाइप किया तो आपने उसकी जानकारी रखना जरूरी नहीं समझा? सर वो क्या, अभी चलिए और उसको पहचानने में हमारी मदद कीजिए। चलिए चलिए चौपाट, चलिए आइए, चलिए आइए। एक्शन। आप चिंता मत कीजिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा और साथ ही जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई एसयू कंपनी जरूर करेगी और इसके साथ ही आपको इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी जरूर मिलेंगे। क्या बात है, इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी मिल रहे हैं आप यहाँ? कट कट कट, अरे कौन है आप लोग, कहाँ घुसे आ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ सीआईडी, माफी चाहते हैं आपकी शूटिंग में दखल देने के लिए, लेकिन हमें अपनी तहकीकात तो करनी पड़ेगी ना। तहकीकात? किस बात की तहकीकात? देखिए, हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं, उसने चोरी की है और हमेशा के कि वो यहाँ पे केजे स्टूडियो में शूटिंग करने आई है। देखिए सर, हमारे यूनिट में तीन ही लड़कियां हैं, दो ही असिस्टेंट हैं, एक लड़की वो आर्टिस्ट है बस। देखो इन लड़कियों को ध्यान से, इनमें से कोई है क्या? नहीं सर, वो इनमें से नहीं है। पक्का? जी सर। तो ये आर्टिस्ट कौन है जिसने अपना मुंह घुमा रखा उस तरफ? मैडम आप अपना चेहरा दिखाने का कष्ट करेंगी? सर यही है वो लड़की। तो आप है वो? देखिए भागने का कष्ट मत करिए, आप लड़की हैं इसलिए आपका लिहाज कर रहे हैं, बेहतर है कि आप समझ जाइए, क्योंकि सीआईडी के सामने जो भागने की कोशिश करता है ना वो पकड़ा जाता है। वैसे नाम क्या है आपका? जी शिल्पा। आपने ज्योति का डेबिट कार्ड चुराया और उसके बाद उससे मोबाइल खरीदा, क्यों? ज्योति डेबिट कार्ड? सर मैं किसी ज्योति को नहीं जानती हूँ और मेरे पास कोई डेबिट कार्ड भी नहीं है। ये किसी ज्योति को नहीं जानती और कोई डेबिट कार्ड भी नहीं चुराया आपने? वैसे आपका पर्स कहाँ है? मैंने पूछा आपका पर्स कहाँ है? सर वो मेरे मेकअप रूम में। निखिल देखो सर, मेकअप रूम कहाँ है आपका? मेकअप रूम कहाँ है आपका? जी इस तरफ है। कुछ नहीं मालूम मैंने यार, बड़ी भोली बनती है ना। सर ये रहा नया मोबाइल और ये रहा ज्योति का डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी यहीं पे है और नया मोबाइल भी यहीं पे है, तो फिर देर किस बात की, बाकी की बातें ब्यूरो चल के करते हैं। चलिए आइए आइए। चलिए अरे अरे शूटिंग का क्या होगा, कौन लेकर आया था ये मैडम को? तुम लेकर आई थी? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है ज्योति, क्या किया तुमने उसके साथ? सर कुछ भी नहीं किया, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। नहीं मालूम तो ज्योति का डेबिट कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? वो देखिए सब कुछ सच सच बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास मुंह खुलवाने के और भी तरीके हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताती हूँ। मुझे किसी ने कहा कि मैं राजपुर बस स्टैंड पर जाऊँ और वहाँ से शहर जाने वाली बस पकड़कर शहर चली जाऊँ। मुझे सीट नंबर 17 के नीचे एक बैग मिलेगा जिसे लेकर मुझे शहर में गायब हो जाना है बस सर, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। वो ज्योति का बैग था और उस बैग में तुम्हें ज्योति का डेबिट कार्ड दिखा, बस डेबिट कार्ड देखते ही तुम्हारा इरादा बदल गया। तुमने सोचा क्यों ना मैं इसका फायदा उठा लूं, है ना? हाँ, डेबिट कार्ड देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि जिसने भी तुम्हें ये करने के लिए कहा उसने क्यों कहा? सर मैं एक अदाकारा हूँ और छोटे मोटे रोल कर अपना गुजारा करती हूँ, उस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और उस आदमी ने मुझे 20 लाख रुपए देने का वादा भी किया जो मैं पूरे साल काम करती तो भी नहीं कमा सकती थी। सर कौन है वो आदमी, कभी मिली हो उससे? नहीं सर, सिर्फ आवाज सुनी है। सिर्फ आवाज सुनी और तैयार हुई काम करने के लिए? वाह रे वाह। मुझे एक फोन आया था और उस फोन कॉल में एक आदमी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा। तो फिर उस आदमी ने तुम्हें वो 20 लाख रुपए दिए कैसे? वो 20 लाख रुपए ज्योति के बैग में छुपा कर रखे गए थे जो मुझे सीट के नीचे से मिला था। 20 लाख रुपए तो ले लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ज्योति की डेबिट कार्ड से तुमने एक फोन खरीद लिया, इसे कहते हैं लालच, और ये लालच तुम्हें यहाँ लेकर आई है हमारे सामने।
कहां से फोन आया था तुम्हें? ले लो नंबर इससे। जी सर। ये नंबर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, क्यों उस आदमी ने शिल्पा को ज्योति का सामान ले आने के लिए क्यों कहा शहर? क्योंकि सचिन उसने इसको शिल्पा को ज्योति बना दिया और भेज दिया इसे शहर, ताकि लोगों को लगे कि ज्योति शहर गई है और उसे कोई ढूंढे ना, है ना? तो इसका मतलब ये जो कुछ भी किया गया है हमें गुमराह करने के लिए किया गया है, ताकि हम जाकर राजपुर में ज्योति को ढूंढे ना। एग्जैक्टली सर, वो नंबर राजपुर गांव के किसी पीसीओ का है। राजपुर गांव के पीसीओ का? राजपुर गांव के पीसीओ का? इसका एक ही मतलब है कि ज्योति अभी भी राजपुर गांव में है, और वो शख्स भी जिसने ये सारा खेल रचा है वो भी राजपुर में है। राजपुर गांव चलते हैं। आ रहा हूं। ज्योति जी की ससुराल यही है? जी हाँ। और आप? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हमें उनके सास ससुर से कुछ बात करनी है। जी कहिए। हम ही हैं ज्योति जी के सास ससुर। ज्योति का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन लेकिन क्या क्या हुआ मेरी ज्योति को? देखिए हमें ऐसा लगता है कि ज्योति को किसी ने अगवा कर लिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? अगवा कर लिया? मगर हमें अभी तक किसी का फोन नहीं आया पैसों के लिए। फोन नहीं आया? नहीं सर, 24 घंटे बीत चुके हैं ज्योति को गायब हुए। अगर पैसों के लिए उसे अगवा किया गया होता तो अब तक तो अगवा करने वाले का फोन आ चुका होता। ये तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। चक्कर तो कुछ और है। देखिए ज्योति यहाँ गांव में किसी को जानती तक नहीं थी, बस 5 महीने हुए थे उसे अमेरिका से आए हुए। अच्छा, अब इन 5 महीनों में ज्योति का किसी के साथ झगड़ा वगैरह हुआ था? कोई अनबन वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज्योति तो अपने काम से काम रखने वाली लड़की है। अच्छा, किसी बात को लेके परेशान थी ज्योति? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। वो परेशान थी लेकिन देखिए हिचकिचाइए मत, आप लोगों को जो कुछ भी मालूम है खुल के बताइए। पिछले कुछ दिनों से ज्योति शाम को बाहर जाती थी। कहाँ पे? मैंने पूछा था उसे, पहले तो कुछ नहीं बताया, बाद में कहा कि उसकी सहेली सारिका के यहाँ कुछ जरूरी काम के लिए जाती है। और वो जरूरी काम क्या है ये भी नहीं बताया आपको? आपको तो पता है ना, आजकल के बच्चों को ज्यादा पूछो तो वो बुरा मान जाते हैं ना। अच्छा, ज्योति यहाँ पे कुछ काम करती थी? दरअसल वो अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने कोई नौकरी नहीं ली थी। एक्चुअली वो मेरे बेटे का इंडिया में आने का इंतजार कर रही थी। वो कह रही थी कि अनुराग के आ जाने के बाद इसी गांव में एक कंप्यूटर का क्लास शुरू करेगी। अब अनुराग आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? भगवान पे भरोसा रखो, ज्योति जल्दी ही मिल जाएगी। एक बात बताइए, ये जब ज्योति बस स्टैंड के लिए जा रही थी तो क्या गांव में कुछ बैंड बाजा बज रहा था? कुछ जुलूस वगैरह निकल रहा था क्या? हाँ, एक जलसा का आयोजन तो हुआ था। कैसा जलसा? हमारे राजपुर गांव में हर साल जलसे का आयोजन किया जाता है। फ्रेडी, तो सचिन को फोन करो, उसे बोलो इस जलसे की डिटेल्स निकाले, तब तक हम लोग सारिका जी से मिलते हैं। बोलो साहब। अरे साहब, आप दोनों के जूते तो एकदम चमचमा रहे हैं, इनमें मरम्मत करने की तो कोई जरूरत नहीं है। सही कहा आपने, हम लोग सीआईडी से, आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। सीआईडी से? हाँ बोलिए साहब। अच्छा ये बताइए कि यहाँ से कोई जुलूस निकला था क्या? हाँ निकला तो था। जुलूस निकला था? हाँ साहब। तो फिर आपने उस जुलूस में इस लड़की ज्योति को देखा क्या? नहीं साहब, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए। नहीं साहब, याद नहीं आ रहा बिल्कुल। ठीक है विनीत, मैं यहाँ आसपास के लोगों से पूछता हूँ, तुम बगल वाले बस स्टॉप पे चेक करो। ठीक है। अरे भाई साहब जरा। जी। राम राम मालिक। पान लगा। नहीं साहब, हमने नहीं दे। एक बात कहूँ सरपंच जी, आप इस गांव की शान हैं। बंसी, पान में चूना लगा, हमको चूना मत लगा। नहीं सरपंच जी, सच कह रहा हूँ, क्या जलसा निकला था कल, ऐसा जलसा यहाँ 10-5 गांव में आज तक नहीं निकला। अरे बंसी, अपने गांव के लोग साल भर कड़ी मेहनत करते हैं, तो साल में एक आध बार उनका भी हक बनता है ना मनोरंजन करने का। क्यों नहीं सरपंच जी, हम तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हम पे बनी रहे,
देखना भगवान ने चाहा ना तो अगले साल 5-7 गांव वालों को बुलाएंगे जलसे में। क्यों नहीं सरपंच जी, क्यों नहीं, ऐसा जोरदार जलसा तो पहली बार हुआ है गांव में। गांव तो गांव, शहर के लोग भी आए थे फोटो खींचने, सब आप ही की तारीफ कर रहे थे। भाई साहब, आपसे कुछ पूछना था। आप गांव में नए लगते हैं? जी हां, नए सीआईडी से हूं। अच्छा, वैसे आप कौन बताओ भाई? माई बाप है हमारे, सरपंच है गाँव के। अच्छा, आप गांव के सरपंच हैं? जी हाँ। तब तो आपको पता होगा कि यहाँ से कोई जलसा निकला था क्या? हाँ भाई, हमने ही आयोजित किया था। आपने आयोजित किया था तो फिर इस लड़की ज्योति को देखा था आपने? हाँ बिल्कुल देखा था, मिले थे और उसके बाद हम अपने लोगों के साथ सम्मिलित हो गए। सर, सर बस स्टैंड के आसपास किसी ने भी ज्योति को नहीं देखा। सरपंच जी का कहना है कि इन्होंने जलसे में ज्योति को देखा था, ज्योति ने इन्हें नमस्ते भी किया था। इसका मतलब तो ये है सर कि ज्योति के साथ जो कुछ भी हुआ है वो जलसे के दौरान या उसके बाद हुआ है। अविनीत, हो सकता है, हो सकता है कि बैंड बाजे की आवाज में और उस भीड़ भाड़ में किसी ने ज्योति को अगवा कर लिया है। एक मिनट। अच्छा, ये आपने कहा कि यहाँ से जलसा निकला, तो फिर कुछ लोग भी आए होंगे बाहर के? हाँ, शहर से फोटो खींचने वाले भी आए थे। उसमें से एक फोटो खींचने वाला अभी भी हमारे गाँव में ही है। कहाँ पे रुका हुआ है वो? यहाँ से सीधा जाइए और दाएं मुड़ जाइए। वहाँ पे कौन आ गया? सारिका जी। जी सीआईडी, आपसे कुछ सवाल में जवाब चाहिए। जी, मैंने क्या किया है? आपने क्या किया है ये तो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि ज्योति हर शाम आपके यहाँ आती थी। क्यों? वो तो ऐसे ही गप्पे लड़ाने। गप्पे लड़ाने या कुछ और बात थी? सच सच बताइए। मैं सच ही बोल रही हूँ, आप चाहे तो ज्योति से पूछ सकते हैं। जब ज्योति मिल जाएगी तो उससे भी पूछ लेंगे। मिल जाएगी मतलब? मतलब ये कि ज्योति को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या अगवा? जी हाँ। देखिए सारिका जी, ज्योति को ढूंढने में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, इसलिए उसके बारे में आप जो कुछ भी जानती हैं सब कुछ सच सच बताइए। दरअसल ज्योति मेरे घर आती ही नहीं थी। आपके घर नहीं आती थी? लेकिन वो तो अपनी सास से कहकर निकलती थी कि वो आपके घर जा रही। वो उनसे झूठ बोलकर आती थी। झूठ? वो झूठ क्यों बोलती थी? वो तो मुझे नहीं पता, मगर मैंने उसे बचाने के लिए उसकी सास से झूठ बोल दिया था। एक दिन उसकी सास मुझे रास्ते में मिल गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि ज्योति रोज शाम को तुम्हारे घर आती है। तभी मुझे शक हुआ कि वो अपनी सास से झूठ बोलकर कहीं और जाती है। तो आपने पूछा नहीं कि वो कहाँ जाती है? पूछा था मगर उसने बताया नहीं, और एक दिन मैंने उसका पीछा किया। कहाँ जा रही थी वो? वो गांव की सड़क के पार सुनसान रास्ते पे चल रही थी जो कि उस पुराने घर की तरफ जाता है, और मैं तो डर के भाग आई। आपके डरने की वजह? गाँव के लोगों का मानना है कि उस पुराने घर में आत्मा का वास है। आत्मा? फिर से आत्मा से पाला पड़ गया? सर, ये आत्माएं मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? बेटी, वहां पे आत्मा है या कुछ और ये तो उस पुराने घर पे जाके पता चलेगा। चलो हम भी उस सुनसान राह पे चल पड़ते हैं। सब कौन है? जी कहिए। भाई साहब, हम लोग सीआईडी से, आपकी कुछ मदद चाहिए थी। सीआईडी? या और मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? जलसे की कुछ फोटोज खींची थी ना आपने, वो देख सकते हैं? हाँ, वो फोटोज तो मेरी लैपटॉप में है। इस दिखाई। ये लीजिए, सारी फोटोज इसी में है। एक सेकंड सर। ज्योति सर, इसके पास जो पर्स है तो वही है जो शिल्पा के पास था। हाँ, इस फोटो में भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और डरी हुई लग रही है। ये देखो नीत, इसकी माथे पे चोट लगी हुई है। अब और फोटो दिखाई और आगे। नीत, ये नोटिस किया तुमने? ज्योति की हर फोटो में ये आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ है, जैसे उसका पीछा कर रहा हो। ये बात तो है, लेकिन सर ये आदमी कौन हो सकता है? इसका पीछा क्यों कर रहा है? अगर एक बार ये पता चल जाए कि ये आदमी है कौन, तो ज्योति का खुद ब खुद पता चल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा ये
ज्योति सुनसान रास्ते पे ऐसी जगह पे करने के आती होगी? वही तो सर, हमें भी यहाँ नहीं जाना चाहिए। अब मेरा मतलब है, छानबीन करने से कोई फायदा ही नहीं है। बंजर जमीन है यहाँ पे, वक्त बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं है। रेडी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। चुपचाप चलो अंदर, देखते हैं। चलो पूरे घर को अच्छी तरीके से चेक करो, उधर देखो। अकेले अकेले क्यों सर, साथ में मिलके छानबीन करते ना, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहाँ पे तो कोई सामान है ही नहीं। कोई आ रहा है यहाँ? आत्मा आ गई, आत्मा। रेडी साहब, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। आप कौन है? मैं इस घर की देखरेख करता हूँ। आप इस घर की देखरेख करते हो? हाँ, इस घर की सुरक्षा के लिए रखा गया है मुझे। सुरक्षा की जरूरत तो हमें है, इस पुराने घर को नहीं। आप ये बताइए, आपने हाल फिलहाल में यहाँ पे किसी लड़की को देखा है क्या? कौन सी लड़की? ये इस लड़की को। हाँ साहब, इस लड़की को मैंने 3-4 दिन पहले यहाँ देखा था। सर, ये ज्योति यहाँ पे क्या करने आई होगी? साहब, मैं भी उसे देखकर यहाँ चौंक गया था कि वो लड़की इस पुराने घर में क्या करने आई थी। आपने उसे पूछा नहीं कि वो यहाँ पे क्या करने आई? अरे साहब, मैं उसे पूछने ही वाला था, पर इतनी ही देर में मेरी घरवाली का फोन आ गया और मैं उसमें व्यस्त हो गया। पलट कर देखा तो वो गायब हो गई। अरे बाप रे। सर, ये ज्योति कहीं आत्मा तो नहीं बन गई? रेडी, दिमाग मत खराब करो यार। दिमाग चलाना है तो सही जगह पे चलाओ। ये सोचो कि ज्योति यहाँ सुनसान जगह पे करने क्या आ गई थी। ओके सर, ठीक है सर, मैं सचिन सर को बता दूंगा। और कुछ पता चला ज्योति के बारे में? कुछ नहीं सर, जिस सुनसान घर में ज्योति अक्सर जाया करती थी वहां पर पूछताछ करने के बाद भी उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। ये गुत्थी है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। एक लड़की ज्योति दिन दहाड़े गायब हो जाती है और हमें खबर मिलती है कि वो अपने ससुराल वालों से झूठ बोलकर उस सुनसान घर में जाया करती थी। और सर, उस घर में वो आत्मा वाली बात, वो बात भी कुछ हजम नहीं हुई। हाँ विनीत, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर माजरा है क्या। हेलो, क्या? ठीक है, थैंक यू सर। जलसे में जो शख्स ज्योति का पीछा कर रहा था उसके बारे में पता चल गया। नाम क्या उसका? लाखिया नाम है सर उसका, राजपुर गांव का ही रहने वाला है। और ये लाखिया काम क्या करता है? एकदम बेकार, एक नंबर का शराबी है। तब तो ये हवालात के चक्कर भी काट के आया होगा। 2 बार सर छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा चलाता है। चलो, कोई कड़ी तो मिली हमें, इस लाखिया के पास ही चलते हैं। कहाँ बताया इसका घर? सर बस यहीं राजपुर गांव में आगे से बाएं जाकर एक कच्चा रास्ता शुरू होता है, उसी के पास उसका घर है। सर मेरे हिसाब से ये लाखिया का घर है। और आइए, अब जानते हैं। अंदर से रेडियो बजने की आवाज आ रही है। और ये देखो, ये साइकिल भी यहीं खड़ी है। सर इसका मतलब शायद ये लाखिया अंदर ही है। दरवाजा तो खुला है। My God. सर ये ज्योति भी यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और घर की हालत देख के नहीं लगता कि यहाँ पे हाथापाई हुई है। इसका मतलब खूनी लाखिया को अच्छी तरह से जानता था और जोर जबरदस्ती से घर के अंदर नहीं घुसा हुआ। लेकिन सर ये लाखिया आखिरी कड़ी थी जिसके सारे हम ज्योति तक पहुंच सकते थे। अब क्या करेंगे? करना क्या है विनीत, कमरे की तलाशी लेते हैं अच्छी तरह से, देखते हैं क्या मिलता है। सर ये देखिए सर, इतने सारे पैसे। विनीत, ये पैसे आए नहीं बल्कि दिए गए हैं लाखिया को। कुछ समझ में आया? ये लाखिया तो सिर्फ एक कठपुतली है जिसकी डोर किसी और के हाथ में थी। अब समझा सर, ये पैसे लाखिया को किसी और ने दिए थे ज्योति को अगवा करने के लिए। हाँ, और उसने लाखिया का खून कर दिया ताकि लाखिया उसे धमकी ना दे और सीआईडी को भी कुछ बता ना सके। हो सकता है सर, लाखिया ज्योति को अगवा करके यहीं पर लाया होगा, उसके बाद खूनी आया लाखिया को मारा और ज्योति को यहाँ से लेकर चला गया। नहीं विनीत, नहीं, मुझे नहीं लगता कि लाखिया ज्योति को यहाँ पे लाया होगा और खूनी लाखिया का खून करने के बाद ज्योति को वापस यहाँ से ले आने की इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। आपका मतलब है सर कि लाखिया ने ज्योति को यहाँ पर नहीं रखा था? अविनीत, मुझे तो ऐसे ही लगता है। एक मिनट,
लाखिया की चप्पल, लाखिया की चप्पल पर कीचड़ लगा हुआ है। सर ये कीचड़ देखकर तो ऐसा लगता है जैसे जंगल घूम कर आया हो। हाँ हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि लाखिया ने ज्योति को गांव के पास वाले जंगल में छुपा के रखा हो। ये लाखिया ज्योति को जरूर यहीं लेके आया होगा, क्योंकि गांव से भी दूर है और सुनसान भी है। लेकिन सर ये जंगल तो बहुत बड़ा है, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे ज्योति को? अरे यार फ्रेडी, जंग शुरू होने से पहले ही हथियार डाल देते हो। ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आओ। बदबू आ रही है सर, यहाँ पे कुछ है। लाश के सड़ने की बदबू है, यहाँ से आ रही है। मिट्टी भी फुलफुली है, लगता है यहीं जमीन के नीचे खोदो इसे। आराम से मिट्टी निकालो। कहीं ये ज्योति तो नहीं है? कपड़े तो ज्योति के ही लग रहे हैं। आसानगी क्या पता चले? बॉस, लाखिया और ज्योति के गले पर एक जैसा घाव है और हथियार भी एक जैसा ही। घाव भी एक जैसा, हथियार भी एक जैसा, तो हो सकता है खूनी भी एक ही हो। एक बात और, इन दोनों के हाथों और पैरों पर रस्सी के निशान है और दोनों के शरीर के कई हिस्सों पर खून जम गया है और रंग काला पड़ गया है। तो कहीं मारने से पहले इन्हें रस्सी से बांध के तो नहीं रखा होगा और टॉर्चर किया होगा? डॉक्टर साहब, इनकी मौत कब हुई? लाखिया की मौत करीब 4-5 घंटे पहले हुई और ज्योति की मौत 1-2 दिन पहले हुई। लेकिन सर इन दोनों की लाशों को इतने समय तक कहाँ छुपा के रखा होगा? वही तो कहाँ छुपा के रखा होगा इन दोनों लाशों को? लगता है इस राजपुर गांव फिर से जाना पड़ेगा, फिर से एक एक चीज को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा। सर हाँ, राजपुर गांव का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आता इस केस में सब कुछ अभी भी धुंधला धुंधला सा क्यों है। और सर ये ज्योति तो अभी 4-5 महीने पहले ही राजपुर गांव में रहने आई, पर इतनी जल्दी ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जो इतनी नफरत करने लगा उससे? हो सकता है उसके ससुराल वालों का कोई दुश्मन हो, इतने सालों से वो लोग रह रहे हैं इस गांव में। सर ज्योति के सास ससुर से पूछताछ करने गया है पंकज, आता ही होगा। सर जी ने काम करो, देखो जरा इस तरह के और भी केसेस हुए हैं क्या राजपुर गांव में, चेक करो जरा। हाँ सर, एक केस है जो ज्योति के केस से मिलता जुलता है सर। किसका? कोई अमृता नाम की औरत है। अमृता? हाँ सर, और इसका भी गला किसी तेज धार वाली चीज से काटा गया है और इसकी भी लाश जंगल में गड़ी हुई मिली सर। कौन है, खूनी कौन था? नहीं सर, खूनी का तो कुछ पता नहीं चला और सबूत ना होने की वजह से केस बंद कर दिया गया। अच्छा, इस अमृता के बारे में देखो और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? मेरा मतलब है वो क्या करती थी या फिर उसके परिवार वालों के बारे में। सर ये अमृता समाज सेवा करती थी, सर उसके परिवार में उसकी एक बेटी है सर, प्रीति, अभी भी राजपुर गांव में रहती है। बेटी अभी भी राजपुर गांव में है, प्रीति से मिलना पड़ेगा। सर हाँ सर, ज्योति के ससुर जी ने कहा है कि राजपाल नाम के आदमी से उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। राजपाल? हाँ सर, और इस राजपाल ने उनके पूरे वंश को खत्म करने की धमकी दी थी। लेकिन ये बात उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैंने भी उनसे यही पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बात पहले कभी छेड़ी नहीं गई थी और सर लाखिया राजपाल जी के लिए काम करता था। अच्छा, लाखिया राजपाल के लिए काम करता था, राजपाल ज्योति के ससुराल वालों का पुराना दुश्मन, तो कहीं सबके पीछे राजपाल तो नहीं? दया से कहो इस राजपाल से मिल लें। आप कौन हैं? बेटा हम लोग सीआईडी से हैं, राजपाल से मिलने आए हैं। बाबा, सीआईडी वाले आपसे मिलने आए हैं। सीआईडी वाले?
कहिए क्या बात है? आपके गांव की एक लड़की ज्योति, वो गायब है, आपको पता है? नहीं तो। हम ज्योति को ढूंढ रहे थे कि हमें उसकी लाश मिली, किसी ने उसका खून कर दिया। क्या, किसने मारा ज्योति को और क्यों? यही सवाल तो हम आपसे पूछना चाहते हैं राजपाल जी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं जी। लाखिया आप ही के लिए काम करता था ना? हाँ, लेकिन 6 महीने पहले मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। ओ, बहुत अच्छा दिखा हुआ है। पहले लाखिया को काम से निकाल दिया, फिर ज्योति को अगवा करने के लिए लाखिया का इस्तेमाल किया। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे ही मुझे पता चला लाखिया मेरे घर में छोटी मोटी चोरियां कर रहा है, मैंने उसे निकाल दिया। उसके बाद मैंने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। अच्छा, ज्योति जी के ससुराल वालों से आपका रिश्ता कैसा था? उससे ज्योति के खून का क्या लेना देना? लेना देना है, हमें पता चला कि आपके और ज्योति के ससुराल वालों की कट्टर दुश्मनी है। आपने उनके घर वालों को, उनके पूरे वंश को खत्म करने की धमकी भी दी थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि जोश में आकर उस वक्त मैंने ऐसा कह दिया था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने ज्योति का खून किया है। मगर आपने ऐसा कहा ही क्यों? क्योंकि 1 महीने पहले मुझे पता चला कि ज्योति मेरी बेटी रानी को छुप छुप कर पढ़ा रही। इसी बात पे मुझे गुस्सा आ गया था। इस बात में बुराई क्या? देखिए साहब, राजपुर गांव में हम अपनी बहू बेटियों को पढ़ाते नहीं है। मुझे लगा ज्योति मेरी बेटी को शिक्षा देकर उसे गुमराह कर रही है, लेकिन जब मैंने रानी की आदतों में सुधार देखा, आगे बढ़ने की इच्छा देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पर इस बात की जानकारी ज्योति के ससुराल वालों को नहीं थी, वो क्यों? दरअसल ज्योति दीदी मुझे गांव की सरहद पर जो पुराने घर के पास जंगल के पास जो घर है वहाँ पढ़ाती थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला। पढ़ना लिखना तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वैसे ये घर किसका है? ये तो नहीं मालूम, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता है। घर में कोई नहीं रहता? ज्योति की लाश हमें जंगल में मिली थी और ये घर भी जंगल के पास ही है, उस घर की तलाशी लेनी होगी। लगता है ज्योति रानी को यहीं पे पढ़ाती थी। निखिल, घर की तलाशी लो। सर। सर, सर ये देखिए, सर लगता है खूनी ने ज्योति को मारने से पहले यहीं पे बांध के रखा था। लगता तो ऐसा ही है सर, लेकिन ये घर किसका हो सकता है? वो तो पता लगाना पड़ेगा। शायद ज्योति इस घर के मालिक को अच्छी तरह से जानती थी, तभी तो वो हर शाम रानी को पढ़ाने के लिए यहाँ पे आती थी। और इस घर का मालिक है कौन? हम लोग CID से कुछ सवाल पूछने थे इसलिए आए। क्या मंदिर आ सकते हैं? जी आइए। थैंक यू। लेकिन आपको मुझसे क्या सवाल पूछना है? तुम प्रीति हो ना, अमृता जी की बेटी? जी मैं ही हूँ, पूछिए। प्रीति, राजपुर गांव में हमें ज्योति नाम की लड़की की लाश मिली है, उसका खून हुआ। क्या, खून हो गया? हाँ खून, बिल्कुल उसी तरह से उसे मारा गया था जिस तरह से तुम्हारी माँ को। सॉरी, बताए मुझे ये सब बातें मैं दोहरा रहा हूँ, मगर क्या करें, हम मजबूर हैं। जी मैं समझ सकती हूँ। अच्छा प्रीति, अपनी माँ के बारे में कुछ और बता सकती हो? जी मेरी माँ बहुत अच्छी शिल्पकार थी, खुद से ज्यादा उन्हें बाकियों की फिक्र रहती थी। बेबस और बेसहारा औरतों की मदद करती थी ताकि उन्हें मर्दों की जितनी तनख्वाह मिले और उनका शोषण ना हो। तो क्या वो किसी समाजसेवी संस्था से जुड़ी हुई थी? जी नहीं, मेरी माँ का मानना था कि समाज सेवी संस्था में जिसे जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, इसलिए मेरी माँ ने खुद से ही एक आंदोलन शुरू किया और इस सिलसिले में उन्हें काफी हद तक कामयाबी मिली। किस सिलसिले में मिली थी कामयाबी? गांव की सरहद पर एक छोटा सा गृह उद्योग है, वहाँ बहुत सी गरीब औरतें काम करती हैं, जिसमें से एक लड़की है धारा, जिस पर बहुत अन्याय हुआ करता था। मेरी माँ ने उसे और बाकी औरतों के लिए लड़ाई लड़ी। उन औरतों पर कैसा अत्याचार होता था? दिन में 12 घंटों से ज्यादा काम करवाते थे उनसे और पगार बहुत ही कम देते थे। बीमार होने पर एक भी छुट्टी नहीं मिलती थी। अच्छा प्रीति, ये संस्था कौन चलाता था? मेरा मतलब है कोई मालिक है या? सारी औरतें वहाँ डर डर के जीती हैं और मालिक का नाम कोई नहीं बताता। इसके बाद धारा के साथ क्या हुआ? माँ की मौत के बाद धारा बहुत डर डर के जीने लगी और वापस उस गृह उद्योग में काम करने चली गई। सब धीरे धीरे इस राजपुर गांव के घिनौने किस्से सामने आ रहे हैं। हाँ, अरे जरूर बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है इस राजपुर गांव में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ज्योति का क्या कनेक्शन इन सारी चीजों से।
कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योति खुद अपना ही एक नारी रक्षा केंद्र चला रही थी वहां पर चुपचाप? हेलो, पता चल गया वो घर किसका था जिसमें ज्योति को रखा गया था बांधकर? क्या नाम है? दुगम भट्ट। दुगम भट्ट, इस दुगम भट्ट से जाकर मिलना होगा। दुगम भट्ट, जी आप लोग? हम दुगम भट्ट से मिलने आए हैं। जी मैं ही दुगम भट्ट हूँ, बोलिए। हम लोग सीआईडी से हैं, ज्योति के खून के सिलसिले में तहकीकात करने आए हैं। ज्योति का खून कब हुआ और किसने किया उसका खून? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना बता दें कि उसका खून आपके घर में हुआ है। मेरे घर में? जी हाँ, राजपुर गांव के सरहद पे जंगल के पास जो घर है वो आप ही का है ना? जी हाँ, वो घर मेरा ही है। ज्योति को गांव की लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी और मैंने अपना वही घर उसे इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था। दो दिन पहले वो मुझे मिलने आने वाली थी। दो दिन पहले शहर वो आपसे मिलने आने वाली थी? जी हाँ, वो राजपुर गांव में लड़कियों के लिए पाठशाला बनाना चाहती थी और सरकार से अनुमति भी मिल गई थी, लेकिन पाठशाला खड़ी करने के लिए उसे जमीन की जरूरत थी। मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा था जो मैं उसे बहुत ही कम दाम में बेचना चाहता था। इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन वो आई नहीं। गांव की लड़कियों के लिए पाठशाला, मतलब कोई ज्योति के मकसद के सख्त खिलाफ था और उसने ज्योति को मार डाला। लेकिन सर, राजपाल के साथ साथ पूरा राजपुर गांव ज्योति के मकसद के खिलाफ था। हाँ, उन्हीं में से कोई हो सकता है। अमृता जी भी गांव की औरतों के हक के लिए लड़ रही थी। उसने गांव की लड़की धारा उसकी मदद करने की कोशिश की थी और ये ज्योति भी गांव की औरतों को पढ़ाना चाहती थी। लगता है खूनी ऐसी औरतों का खून कर रहा है जो गांव की औरतों के हक के लिए लड़ रही है, गांव में परिवर्तन लाना चाहती है। अगर इन सबके पीछे कौन हो सकता है सर? ये धारा, इस धारा पे नजर रखते हैं, वहीं से पता चलेगा इस सबके पीछे है कौन। सर, धारा अभी अपने घर में ही है। देखते हैं रजत, उसका बाहर आने का इंतजार करते हैं। सर, अगर वो घर में तो उसके घर में ही जाके उससे पूछ लेता ना कि वो किसके लिए काम करती है। पंकज, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि धारा जिसके लिए काम करती है उसका गांव में बहुत दबदबा है, औरतें डरती हैं उससे। उस आदमी को भनकने लगनी चाहिए, बेचारी धारा की जान को खतरा हो सकता है। सर, 3 बज चुके हैं, धारा बाहर आती होगी। इसी समय वो अपने दोपहर की शिफ्ट के लिए निकलती है। रजत, चल, लेट्स गो। ये है वो जगह जहाँ ये लाचार औरतें काम करती हैं। हाँ, गांव वालों को किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए गांव के सरहद पर ये खोल के रखा है। लेकिन सर, ये लघु उद्योग कौन सा दरिंदा चला रहा है, इसका नाम कैसे पता चला? देखते जाओ रजत, देखते जाओ। अरे इधर कहाँ घुसी आ रही हो तुम, और कौन हो तुम? साहब जी, मेरा नाम चंपा है, मुझे किसी ने बताया इधर इधर काम मिलेगा, मैं काम के वास्ते आई हूँ। समझे, यहाँ हर किसी को काम नहीं मिलता, और वैसे भी तुम्हें इस गांव में कभी देखा नहीं, कौन हो तुम? मैं इस गांव में नहीं हूँ समझे, मेरा मर्द पिछले महीने गुजर गया, मैं इधर अपने मामा के साथ रहती हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है साहब जी, काम दिला दो मुझे। ठीक है ठीक है, सिलाई का काम आता है तुम्हें? हाँ साहब जी, सिलाई बुनाई कढ़ाई मैं सब कर लेती हूँ साहब जी। ठीक है, यहीं रुको, जाओ मालिक से पूछ के। एक मिनट में आता हूं। सर, अगर श्रेया को अंदर नहीं जाने दिया तो फिर हम क्या करें? अगर श्रेया को अंदर जाने नहीं दिया तो घुस जाएंगे हम लोग अंदर, बस वो दरिंदा हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। क्या हुआ साहब जी? तुम मालिक से बात कर सकती हो और तुम उनका विश्वास जीत पाई, तभी तुम्हें काम मिलेगा, समझी?
समझ गई साहब जी, अब बस एक बार अपने मालिक से मिलवा दीजिए बस। ठीक है, झोला दिखाओ, जाओ चलो आओ मेरे साथ। इधर से आ जाओ, ये हमारे मालिक हैं। तू जा। जी मालिक। तुम्हारा ही नाम चंपा है? हाँ मालिक। हमारे यहाँ कपड़ों पर जरी की कढ़ाई का काम होता है, कर पाओगी? हाँ मालिक, मुझे ये काम आता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगी मालिक। तो ठीक है, काम शुरू कर दो। आप तो देता है मालिक, मुझ गरीब पर आपने बहुत बड़ा एहसान किया। वैसे कितना पैसा मिलेगा? दिन के 5 रुपए मिलेंगे, लेकिन 12 घंटे काम करना पड़ेगा। क्या 12 घंटे का सिर्फ 5 रुपया? बहुत कम आमदनी है मालिक। कम लग रहा है, इन सारी औरतों को इतना ही पैसा मिलता है? करना है तो करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मैं जाने नहीं, ले जाने आई। मतलब ये मतलब CID है? तुम सब आ तो गए हो, लेकिन ये यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगी। गन नीचे कर, पता है किस पर गन तानी है तुमने? एक CID ऑफिसर पर। नहीं SCP। तो कहिए राजपुर के सरपंच जी, कितने सालों से अपने गांव की औरतों का शोषण कर रहे थे तुम? 10 साल पहले मैं राजपुर गांव का सरपंच बना था। उसके 1 साल बाद ही मेरा भाई जो शहर में रहता है, उसी ने हस्तकला के कारोबार के लिए मुझे प्रोत्साहित किया था। मैंने दुकान भी खोली थी शहर में, लेकिन वहाँ के मजदूर बहुत वेतन मांगते थे सर, और कारोबार में मुनाफा नहीं हो पाता था। और इसीलिए तुमने सोचा कि क्यों ना भोली भाली औरतों का शोषण करना शुरू कर दो? और इसीलिए तुमने उनके दिलो दिमाग में खौफ पैदा किया, यहाँ तक कि वो तुम्हारा नाम लेने से कांपती थी बेचारी। अगर मैं ऐसा नहीं करता था साहब, तो औरतें गांव वालों के सामने मेरा काला चिट्ठा खोल कर रख देती थी। उन औरतों से आप जबरदस्ती काम करवाते थे ना? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। गांव की बहुत सारी बेसहारा औरतें कम वेतन में काम करने के लिए तैयार हो जाती थी। क्योंकि अनपढ़ थी, अनजान थी अपने अधिकारों से। बंधुआ मजदूरी गैर कानूनी है, ये मालूम नहीं तुम्हें? जब जब ज्योति और अमृता जैसी समझदार और होशियार औरतों ने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है, तुमने उनकी जान ले ली। क्यों? तो और क्या करता था साहब? वो दोनों बेवकूफ औरतें मेरी हुकूमत को ललकार रही थी, वो मुझसे सवाल पूछती थी, और वो ज्योति, वो तो हमारे गांव की रहने वाली भी नहीं थी। वो नारी मुक्ति, नारी शिक्षा और पता नहीं क्या क्या, वो मेरी गाँव की भोली भाली औरतों पर बुरा प्रभाव डाल रही थी साहब। चुप! बुरा प्रभाव डाल रही थी, अच्छी शिक्षा दे रही थी वो, तुम्हारी गांव की औरतों को स्वाभिमान से जीना सिखा रही थी वो। गांव की औरतों को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है साहब? जरूरत है, अधिकार है वो। इस देश की हर औरत का अधिकार है शिक्षित होने का, और जिस देश की औरतें अनपढ़ हैं, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। तुम जैसे लोग हमारे इस देश की औरतों को अनपढ़ रखना चाहते हैं अपने स्वार्थ और अपने लालच के लिए। 3-3 खून किए तुमने, ज्योति, अमृता, लाखिया। अब जेल में सड़ते बैठना एक एक पल, जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आता। Thank you.